Subscribe my channel Ambi News Presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel. 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले भारत के 4 विस्फोटक बल्लेबाज नंबर 3 सबसे बड़ा हिटलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के वह कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाए थे। दोस्तों साथ ही बात करेंगे नंबर 3 पर कौन सा है सबसे बड़ा हिटलर। तो दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप भारतीय टीम का दिल से सपोर्ट करते हैं तो भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं खबर की तरफ और देखते हैं उन बड़े खिलाड़ियों के बारे में। दोस्तों क्रिकेट और स्पोर्ट से जुड़ी बेहद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी जबरदस्त वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों 6 गेंदों पर 6 छक्के सुनकर ही मन रोमांचित हो उठता है, तो जरा सोचिए जिन खिलाड़ियों ने कारनामा किया होगा उनको कैसा महसूस हुआ होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अभी तक यह कारनामा सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने किया है, हालांकि घरेलू स्तर पर यह कारनामा कई खिलाड़ियों ने कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों भारत के ऐसे 4 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा हासिल किया है। दोस्तों पहले खिलाड़ी की बात करें तो पहले खिलाड़ी हैं रवि शास्त्री। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री ने 1984 में रणजी ट्रॉफी मैच में बड़ौदा के स्पिनर तिलक राज की गेंद पर 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाकर यह कारनामा अपने नाम हासिल किया था। इस मुकाबले में रवि शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज डबल सेंचुरी भी बनाया था। दोस्तों वह दूसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा। मित्रों आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में अमरावली के गेंदबाज पर नीलम वेंजुला के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा हासिल किया था। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर है युवराज सिंह। जैसे ही आप लोगों को बता दें कि लेफ्ट हैंड के विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रांड के एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगातार बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा दूसरा मौका था जब किसी बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के लगाकर कारनामा हासिल किया हो। दोस्तों वहीं चौथे नंबर पर है शार्दुल ठाकुर। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि शार्दुल ठाकुर मुंबई के स्वामी विवेकानंद स्कूल और राधाकृष्णन के स्कूल के बीच खेले गए मुंबई के मुकाबले में लेफ्ट आर्मैन चेयरमैन गेंदबाज विशाल ध्रुव के एक ओवर में 6 छक्के लगाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में हार्दिक पांड्या सबसे आगे हैं। पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में दिल्ली और गुजरात के बीच खेले गए इस मैच में आकाश सुडान के एक ओवर में 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 39 रन बनाए थे। इस ओवर में 5 रन अतिरिक्त रूप से मिले थे। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। यह अपडेट आपको कैसे लगी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।